Hi guys, namaste. Welcome back to my channel and I'm Suman. न्यू मम्मा के लिए जो कि घर पे बैठे ये सोच रही हैं कि हम कब से अपना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। 2 साल का हो गया बेबी, 3 साल का हो गया, आपकी फीडिंग भी स्टॉप हो गई है, स्टिल आप इस प्रोसेस में हो थिंकिंग के कि मुझे वापस अपनी शेप में वापस आना है। जब भी कोई भी लेडी प्रेग्नेंट होती है और वो बेबी डिलीवर करती हैं और फिर वो वापस अपनी मदरहुड की पूरी लाइफ में जाती हैं, समहाउ वो अपनी खुद की चीज़ों को भूल जाती हैं कि यार मैं कैसी दिखती थी, मेरी जॉब, मेरी लाइफ, मेरी खुद की चीज़ें या फिर मेरी खुद की एक आइडेंटिटी। ये चीज़ करना सबसे ज़्यादा गलत होता है एक मदरहुड के लिए। मेरे पास वैष्णवी है, वो मेरे साथ 5 साल से, ऑलमोस्ट 4 से 5 साल, एंड उनके सेकंड बेबी का डिलीवर होने के बाद शी लॉस्ट 50 kgs इन 6 to 7 months। उनका ट्रांसफॉर्मेशन एक बहुत अमेजिंग है जो मैं सून पोस्ट करूँगी, बट आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रतिमा के बारे में। नाउ प्रतिमा NRI क्लाइंट है मेरे, शी लॉस्ट ऑलमोस्ट लाइक 27 to 28 kgs इन 7 to 8 months के अंदर, एंड उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन है बहुत ही अमेजिंग है, बहुत बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। वो फीडिंग मदर रही हैं, उनको प्री डायबिटिक भी था, एंड उनके साथ साथ सिचुएशन कैसी थी कि उनको बाहर जब हम रहते हैं तो आउट ऑफ इंडिया जाते हैं, वहाँ पर कोई हेल्पर नहीं है आपके पास, सब कुछ खुद ही करना है, सफाई से लेके खाना बनाने से लेके बच्चों को हैंडल करने से लेके ईच एंड एवरीथिंग आपको खुद ही मैनेज करना है। इन सब सिचुएशंस के अंदर अगर आप खाना अपना अलग से मैनेज कर रहे हो ना, तो वो बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे मेरे पास जितने NRIs बैठे हैं उन सब के साथ एक ही प्रॉब्लम होती है कि ईजी कुकिंग चाहिए, बहुत ही ईजी सिंपल कुकिंग चाहिए, एंड जिसकी हेल्प से डाइट जो है वो बिल्कुल स्मूथ निकल जाए। डाइट तो स्मूथ निकलेगी, उसके साथ साथ आपकी बॉडी भी रिकवर होनी इक्वली इंपॉर्टेंट है। सो आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी न्यू मम्मा प्रतिमा का डाइट, बट उससे पहले जस्ट फॉर द पोषण मोटिवेशन मैं उनसे आपको मिलवाना चाहती हूँ। हाय एवरीवन, मेरा नाम प्रतिमा है, मैं US में रहती हूँ और मेरा 19 मंथ का एक बच्चा है, मेरा बेटा आरुष। मेरी वेट लॉस की जर्नी शुरू हुई मेरे डिलीवरी के 9 मंथ के बाद, और मेरा प्रेगनेंसी में वेट 35 kg बढ़ गया था। मैं पहले 60 थी और फिर मेरा 35 kg बढ़ने की वजह से मैं सीधा 95 पे आ गई। उसके बाद फिर मेरी डिलीवरी हुई, वो भी सी सेक्शन से। फिर सबने बोला कि 6 महीने तक तो कोई डाइट नहीं, कोई एक्सरसाइज, कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो फिर मैंने वेट किया और थी ऐसे ही, देखते देखते 9 महीने बीत गए और 9 मंथ में मेरा ब्लड वर्क हुआ था, तो उसमें मैं प्री डायबिटिक हुई, तो मुझे लगा कि अब मुझे अपना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करना चाहिए। फिर मैंने सुमन से कांटेक्ट किया था, उन्हें मैसेज किया था, उनको अपना सब कुछ बताया कि मेरा वेट क्या है, अभी मेरा हेल्थ कंडीशन क्या है, ये सब चीजें उनको बताई, और उसके बाद फिर मेरी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट हुई। मेरे वेट लॉस जर्नी में सबसे ज्यादा जो मेरा साथ दिया है वो मेरे हस्बैंड ने दिया है। जब से मेरा वेट शुरू हुआ था, जिस दिन से, उस दिन से उन्होंने सुबह उठ करके मेरे लिए ब्रेकफास्ट और लंच बना करके और फिर ऑफिस जाते थे, ताकि मैं बच्चे पे भी केयर कर सकूं, मेरी सारी एनर्जी खाना बनाने वो सब में ना चला जाए, क्योंकि रात में कई बार उठना पड़ता था, जागना पड़ता था, तो सुबह उठकर इतना अर्ली ब्रेकफास्ट बनाना वो सब पॉसिबल नहीं हो पा रहा था मुझसे। तो हस्बैंड ने बोला कि कोई बात नहीं, मैं हूँ साथ में तुम्हारे, और उनके ही सपोर्ट से ये पूरी जर्नी हुई है। अगर वो साथ नहीं देते तो शायद मैं इतना तो नहीं कर पाती और इतनी लंबी जर्नी तो नहीं शायद कर पाती। मैं ये बोलूंगी कि लोग बोलते हैं कि बच्चा होने के बाद बहुत मुश्किल होता है वजन कम होना, और पॉसिबल नहीं है कि आप फिर से आप अपने वेट पे जाओगे, जो पुराने वेट पे थे उस पे हो गए, या आपके कपड़े अब फिट हो सकते हैं,
लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप करना चाहें तो आप सब कुछ कर सकते हैं। यही थी मेरी जर्नी, थैंक यू सो मच। तो अब हम बात करते हैं प्रतिमा की डाइट के बारे में कि क्या ऐसी डाइट ली थी जिसकी हेल्प से उनका लूज भी हुआ, बट लूज के साथ साथ वो हेल्दी हुई हैं एंड फिट हुई हैं, उनका बॉडी जो है वो रिकवर हुआ है। बहुत ज़्यादा घी, तेल, भुना हुआ, बहुत ज़्यादा हैवी कार्ब्स खाने से या बहुत ज़्यादा मीठा खाने से कुछ नहीं होगा। यहाँ पे आपको एक बैलेंस मील लेनी है जिसके अंदर प्रोटीन, कार्ब्स, फाइबर्स एंड सारे विटामिंस एंड मिनरल्स आपको टाइम टू टाइम मिले, एंड उसके साथ साथ कुकिंग भी इजी रहे जिसकी हेल्प से आप बच्चा भी संभाले, खुद को भी संभाले एंड घर भी संभाले। नींद पूरी करके उठेंगे जितनी भी न्यूली मम्मा है, चाहे आप लेट उठो, मतलब कि अगर आप 9 बजे भी उठो, 10 बजे भी उठो, हार्डली मैटर्स, बट आपकी नींद जो है वो पूरी होनी चाहिए, अदरवाइज डाइट करने का कोई फायदा नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग ड्रिंक। मॉर्निंग ड्रिंक में मैंने दिया था रिकवरी के लिए जूसेस। मैंने बहुत सारे जूसेस दिए थे प्रतिमा को, समटाइम्स रेड जूस दिया था, ग्रीन जूस दिया था, सेलरी का जूस दिया था, कुकम्बर का जूस दिया था, घी का जूस दिया था, एश कार्ड का जूस दिया था। वेराइटीज ऑफ जूसेस की रेसिपीज मेरे चैनल पे है, सबका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं ब्रेकफास्ट पे। नाउ ब्रेकफास्ट में एनआरआईज के लिए सबसे अच्छी चीज़ होती है एवोकाडो टोस्ट। सो एवोकाडो का टोस्ट मैंने उन्हें दिया था, मैंने उन्हें पोहा दिया था, रोटी सब्जी दी थी, मल्टीग्रेन जैसे जौ, ज्वार और बार्ले, या फिर इन सबको मिक्स एंड मैच करके, रागी को, मक्की को, इन सबको मिक्स एंड मैच करके मैंने रोटी दी थी विद एनी ड्राई सब्जी उनको दी थी। मिलेट्स दिए थे मैंने उन्हें, और उसके साथ साथ मैंने उन्हें सैंडविचेस भी दिए थे। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं मिड ब्रेकफास्ट की। नाउ मिड ब्रेकफास्ट के अंदर मैंने उन्हें बहुत सारे सोफ नट्स दिए थे, ओवरनाइट सोफ नट्स। उसके साथ मैंने उन्हें दिया था 1 ग्लास फुल फैट मिल्क, एंड वो भी बिना चीनी का या बिना किसी शक्कर को ऐड किए हुए। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं लंच की। नाउ लंच में मैंने उन्हें कुछ सिंपल इस तरीके की चीज़ें दी थी जो कि ईजी कुक हो, घर पर सबके लिए बने और वो भी खा सकें, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में कुकिंग करना इज़ लाइक बिग टास्क। सो लंच के अंदर मैंने उन्हें दिया था हाई प्रोटीन सैलेड जिसके अंदर स्प्राउट्स का सैलेड था बहुत सारा। एक और सैलेड मैंने उन्हें दिया था कि मिक्स हमारा राजमा छोला एंड चना का सैलेड, वो कैसे बनाना है चलते किचन। ओके यहाँ पे अब हम बात करेंगे हमारी लंच की मिक्स चना सैलेड। यहाँ पे हमारे पास बॉईल किया हुआ है, वैसे हमने ये सब ना इकट्ठे ही उबाल दिए थे, सबके सब इकट्ठे ही। सो यहाँ पे मेरे पास है सफ़ेद चना, 2 चम्मच जितना सफ़ेद चना मैं डाल दूँगी। नेक्स्ट 2 चम्मच जितना मेरे पास है राजमा, ये सब हमने इकट्ठे बॉईल किए थे कल रात को ही, ये एक पर्सन के लिए बना रही हूँ। नेक्स्ट मेरे पास है काला चना, और बाकी जो सब्जी ये है बचा हुआ बॉईल, हम इसका सबका तड़का लगा देंगे। सो ये इन सबको हमने किया मिक्स। नेक्स्ट इसके अंदर मैं डाल दूँगी मेरे कटे हुए प्याज। नेक्स्ट इसके अंदर मैं डाल दूंगी मेरा कटा हुआ एक टमाटर, और बिना नमक का मैं इसमें डाल दूंगी नींबू। इसके अंदर मैं कुछ भी नहीं डाल रही, सच में मैं कुछ नहीं डाल रही, एंड मैं लाइव एग्जांपल हूँ, बहुत अच्छे से वेट लॉस होता है। हाँ अगर टेस्ट के लिए कि भैया नहीं खाया जा रहा, फिक्का है एक्स वाई जी जेड, इसके अंदर हल्का सा डालेंगे हमारा चाट मसाला, और सबसे बेस्ट फॉर टेस्टर्स आर पेरी पेरी मसाला। वेलकम बैक। सेकेंड इज मैंने उन्हें दी थी खिचड़ी, जस्ट अ बेसिक खिचड़ी, साथ में कोई भी उबली हुई दाल, क्योंकि दाल तो घर पे बनती ही है। नेक्स्ट मैंने उन्हें अगेन दिया था कि अगर आप कुछ भी अपने लिए स्पेशल कुक नहीं कर पा रहे हो, जस्ट आटा गूंदो अपना अलग से, हमारा जौ, ज्वार और रागी का आटा, एंड मिक्स एंड मैच करके आटा गूंद के कोई भी सब्जी जो आपके पास पड़ी है उसके साथ आप लंच में अपनी रोटी खा सकते हैं, साथ में बाउल ऑफ कर्ड। नेक्स्ट हमने उन्हें क्या ऐड करके दिया था, मैंने उन्हें दिया था हाई प्रोटीन टिक्कीज। टिक्कीज ऐसी हैं जो आप भी खा सकते हो घर पर, कोई भी खा सकता है। ये सारे हमारे लंच के ऑप्शंस थे, और इन सब की रेसिपीज़ 1 by 1 में सबकी रेसिपीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इवनिंग के टाइम में। शतावरी बहुत ही बढ़िया चीज़ है, स्पेशली फॉर न्यूली मदर्स जो फीडिंग मदर्स हैं, फीडिंग को सपोर्ट करती है, आपके हॉर्मोन्स को बैलेंस करती है। शतावरी मैंने ऑलमोस्ट एवरी सिंगल डे दी थी, एवरी सिंगल डे, कभी नाइट ड्रिंक में, कभी इवनिंग ड्रिंक में, कभी मॉर्निंग ड्रिंक में। सो यहाँ पे शतावरी आप लोग लेंगे अगर आप न्यूली मदर हैं, इवनिंग ड्रिंक में साथ में मखाना, लेमन ग्रास टी आपको बहुत अच्छे से बैलेंस करेगी आपके गट हेल्थ को, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को, आपके मेटाबॉलिक रेट को, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको गैस्ट्रिक नहीं होने देगी। सो ये 2 टीज आप बिल्कुल एब्सोल्युटली अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो, साथ में थोड़ा सा फ्रूट ले सकते हो, नहीं तो मखाना ले सकते हो। बट जिन जिन लोगों को जेस्टेशनल डायबिटीज आया है ड्यूरिंग आपके प्रेगनेंसी में, आप फ्रूट्स को कम से कम अपनी डाइट में ऐड करेंगे। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं डिनर की।
नाउ डिनर के अंदर मैंने उन्हें क्रेविंग्स को खत्म करने के लिए दिया था बेसन का हलवा विद बहुत ही नामात्र जितनी जागरी या फिर कुछ चीजें डाल के। वो कैसे बनाना है चलते हैं किचन में। ओके, हलवा बनाने के लिए बेसन का हलवा, उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए घी। हमने डाला है 2 चम्मच जितना घी। नेक्स्ट इसके अंदर मैं डाल दूंगी मेरा बेसन, 1 चम्मच, 2 चम्मच, एक ही पर्सन के लिए बन रहा है। इसके अंदर हम डालेंगे सूजी 1 चम्मच, 2 चम्मच, क्योंकि चलो 2 बंदों के लिए बना लेते हैं हम, 3 चम्मच सूजी और 3 चम्मच हमारा बेसन। इन सबको हम बहुत अच्छे से भूनेंगे, बहुत बहुत ही अच्छे से घी के अंदर। ओके, सो 5 मिनट प्रॉपर सेम आंच पे भूनने के बाद हमारा बेसन और सूजी दोनों के दोनों अच्छे से पक चुके हैं। नेक्स्ट इसके अंदर मैं डाल रही हूँ मेरा पानी। मैंने डाला है यहाँ पर 1 गिलास जितना पानी। नेक्स्ट ऑप्शनल है, जिन जिन लोगों को प्री डायबिटिक है वो ना ले डालें, जिन लोगों को प्री डायबिटिक नहीं है वो लोग ऐड करेंगे जैगरी का पाउडर एज पर योर टेस्ट। इसको अच्छे से हम भूनेंगे 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 भूनेंगे, अच्छे से सारा पानी सुखाएंगे बहुत अच्छे से। नेक्स्ट इसके अंदर हम डालेंगे यहाँ पे हमारा इलायची और सौंफ का मिक्सचर, मिक्स 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 मिक्स। इसको हम अच्छे से सेम आंच पे अब पकाएंगे और तब तक हम करछी जस्ट चलाते रहेंगे। ओके, ये बना है शीरा, बट हमें हलवा फॉर्म बनाने के लिए अभी इसको और ज़्यादा गाढ़ा करना है। ओके, हियर वी गो, यम्मी। नाउ बेसन का हलवा अगर आपको नहीं खाना, फिक्का मन नहीं करता, आप नेक्स्ट मेरी चैनल पे बहुत सारे वेजिटेबल सैलेड्स हैं, सैलेड्स ऐसे हैं मेरे चैनल पे। सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि वो घर पे रोटी के साथ भी खाए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मटर पनीर की अगर आपने सब्जी बनाई है मटर पनीर की, तो ये आप बाउल अपने लिए बना के रख सकते हैं, साथ में आपके घर में जो बाकी मेम्बर्स हैं वो एज अ चपाती इसको खा सकते हैं। चना और मेथी का हमारा हो गया सैलेड, या फिर किसी भी टाइप का दाल सैलेड हो गया। तो दाल तो डेली बेसिस पे घर पे किसी न किसी के घर पे बनती है, आप अपने लिए सैलेड के लिए दाल सेपरेट कर दो। सो इस तरीके से आपको ऑर्गेनाइज करके चलना है अपने आप को। दाल घिया हो गया, जुकिनी घिया हो गया, जुकिनी एंड दाल की सैलेड हो गई, ये सारी सैलेड्स मेरे चैनल पर इनकी रेसिपीज हैं, इन सब का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं नाइट ड्रिंक की। सो नाइट ड्रिंक कैसे बनानी है, और स्पेशली वो बनानी है सीड्स का वाटर, मिक्स सीड्स का वाटर। ये आपके हॉर्मोन्स को बैलेंस करेगा, सेकेंड इज आपके फीडिंग को सपोर्ट करेगा, थर्ड वन इज आपको वेट लॉस का माल का देगा, स्पेशली आपके इंच लॉस देगा। सो ये कैसे बनानी है हमारी सीड मिक्स टी, चलते हैं किचन में। ओके, सीड मिक्स वाटर के लिए हमें सबसे पहले चाहिए पिंच ऑफ धनिया के सीड्स, नेक्स्ट पिंच ऑफ फेनल सीड्स, नेक्स्ट पिंच ऑफ जीरा, नहीं पिंच ऑफ अजवाइन डाला है मैंने अभी, पिंच ऑफ जीरा। इन सबको हम खूब अच्छे से उबलने देंगे उबलने देंगे उबलने देंगे, और उसके बाद इसको हम स्ट्रेन करके पिएंगे। इट्स रेडी। ओके, गुड टू गो, इट्स रेडी। लास्टली एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आई अंडरस्टैंड यू आर अ वाइफ, यू आर अ मदर, यू आर डॉटर इन लॉस, आप किसी की भाभी हो, किसी की फैमिली में डॉटर हो, आपके बहुत सारे लिंक्स हैं, रिश्ता है। बट एक चीज़ आप ध्यान रखो, आप खुद में आपकी एक अपनी ओन आइडेंटिटी है। बच्चा होने के बाद, फैमिली बसाने के बाद, चीज़ें होने के बाद, आपने खुद को लूज नहीं करना। जस्ट लुक एट द मिरर, आप अपने आप को देखो, आप पहले कैसे थे अब कैसे हो। बच्चा होना एक बहुत सिंपल सी चीज़ है कि बच्चा करना है, लाइफ में आगे जाना है, परंतु आपने खुद को ठीक करके अपने करियर में भी वापस जाना है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, आप हो तो 10 चीज़ें आपसे बनेंगी, आप नहीं हो कोई भी चीज़ आपके साथ नहीं बनेगी।
सो आई होप दिस वीडियो इज़ यूज़फुल बहुत सारे न्यूली मदर्स के लिए। आप अपना ध्यान रखो खूब सारा, आप ठीक हो, आपके बच्चा ठीक है, आपका घर ठीक है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप फिट नहीं हो, फाइन नहीं हो, आपका मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा है, आप अपनी बॉडी से इरिटेट हो, चिड़चिड़े हो, आपको ठीक फीलिंग नहीं आ रही, आप पूरे घर में दुर्गा माता का रूप लेके घूमोगे और उसके बाद आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा, आप सब पे लाउड होते रहोगे और इक्वल टू आपको स्ट्रेस बढ़ेगा और आपका वेट गेन बढ़ेगा। सो ये सारी चीज़ें इंटरलिंक है। आई होप दिस वीडियो इज़ यूज़फुल, आपको समझ आई होगी कि मैं किस पॉइंट पर बात कर रही हूँ। एज अ फीमेल आपको अपने करियर, अपनी बॉडी के साथ, अपने लुक्स के साथ, अपनी फिटनेस के साथ किसी भी तरीके का कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करने का कोई भी हक नहीं है। आप फीमेल इक्वल टू ब्यूटिफुल, हेल्दी, फिट एंड फाइन, एंड अपने करियर पे फोकस करने का एंड अपने रूटीन में वापस आने का। सो या दैट्स इट, एंड आई लव यू ऑल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर जी, आई विल सी यू सून, बाय बाय।